बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर कैसे होंगे। इन प्रीवियस लेक्चर वी हैव लर्नड अबाउट रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस, और उसमें हमने सीखा था कैसे किसी फोर्स के परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स कैलकुलेट करते हैं, और फिर उसके बाद हमने उन परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स की मदद से फोर्स की मैग्नीट्यूड भी फाइंड की थी और डायरेक्शन भी फाइंड आउट की थी। In this lecture, we will learn about torque or moment of force. तो इससे पहले सबसे पहले हम कुछ टर्म्स जो है वो डिस्कस करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, वट इज रिजिड बॉडी। रिजिड बॉडी क्या होती है? एक रिजिड बॉडी ऐसी बॉडी होती है जिसके ऊपर हम फोर्स अप्लाई करें और उसमें किसी किस्म की डिफॉर्मेशन ना प्रोड्यूस हो, मतलब उसके अंदर किसी किस्म का बिगाड़ ना पैदा हो। फॉर एग्जाम्पल, मैं कहता हूँ ये बोर्ड मार्कर है, जैसे मैं इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करूंगा तो इसमें किसी किस्म की डिफॉर्मेशन नहीं प्रोड्यूस होगी, तो हम कहेंगे कि ये बॉडी जो है ये रिजिड बॉडी है। इसी तरह हम वुड की एग्जांपल ले लेते हैं। वुड भी जो है वो भी हमारे पास सॉलिड है, उसमें भी उसके ऊपर जब हम फोर्स अप्लाई करेंगे तो उसमें भी किसी किस्म की जो है वो डिफॉर्मेशन ही प्रोड्यूस होगी। इसी तरह हम आयरन की एग्जाम्पल ले लेंगे, और भी बहुत सारी हम इसकी एग्जाम्पल्स ले सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि रिजिड बॉडी एक ऐसी बॉडी जिसके ऊपर हम फोर्स लगाएं और उसमें किसी किस्म की डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस नहीं होनी चाहिए। तो बात करते हैं इसकी डेफिनेशन की। तो सबसे पहले देखते हैं, ए रिजिड बॉडी इज अ बॉडी that do not deform by an external force is called rigid body. For example, जिस तरह हमने पहले भी एग्जाम्पल ली है, वुड, आयरन एक्सेट्रा। उसके बाद बात करते हैं हम एक्सिस ऑफ रोटेशन की। व्हाट इज एक्सिस ऑफ रोटेशन? एक्सिस ऑफ रोटेशन एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या होती है? हमने अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में देखा होगा, बहुत सारी एग्जांपल्स हैं इसकी। मसलन वाटर टैप है, उसको हम बंद करते हैं या खोलते हैं तो वो किसी एक पॉइंट के गिर्द जो है वो रोटेट करती है, किसी एक लाइन के गिर्द जो होती है वो घूम रही होती है। इसी तरह हम डोर की एग्जाम्पल लेते हैं, जब डोर को हम ओपन करते हैं या क्लोज करते हैं तो वो भी किसी एक पॉइंट या एक लाइन के गिर्द रोटेट कर रहा होता है। तो कहने का मतलब ये है कि एक्सिस ऑफ रोटेशन हमारे पास कोई एक पॉइंट है या एक लाइन है जिसके गिर्द कोई बॉडी जो होती है वो रोटेट कर रही होती है, उसको हम नाम देते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन। ए पॉइंट और अ लाइन अराउंड विच अ बॉडी rotates is called axis of rotation. उसके बाद हम बात करते हैं, अपने टॉपिक की तरफ आते हैं, टॉर्क और मोमेंट ऑफ फोर्स। तो इसके लिए जो है वो सबसे पहले हम देखते हैं टॉर्क। टॉर्क क्या होता है? व्हाट इज टॉर्क और मोमेंट ऑफ फोर्स? तो इसकी अगर बात करते हैं हम डेफिनेशन की, इससे पहले भी हमने एक्सिस ऑफ रोटेशन में कुछ एग्जांपल्स ली थी, वाटर टैप की या डोर की हमने एग्जांपल ली थी।
कि किस तरह डोर को हम खोलते हैं या बंद करते हैं, या वाटर टैप को खोलते हैं या बंद करते हैं, तो वो किस तरह एक पॉइंट के गिर्द जो है वो रोटेट करता है। इसी तरह हम बात करते हैं टॉर्क। टॉर्क बेसिकली क्या होता है, हमारे पास टर्निंग इफेक्ट ऑफ अ फोर्स इन अ बॉडी प्रोड्यूसेस टॉर्क, या फिर हम उसको बोलते हैं मोमेंट ऑफ फोर्स। द टर्निंग इफेक्ट, द टर्निंग effect of force produces torque। ये हम इसकी सिंपल डेफिनेशन यूं कर सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं इसकी मैथमेटिकल फॉर्म की, इसका फार्मूला जो है वो भी हम कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं इसकी एक एग्जांपल जो हमारी रोजमर्रा जिंदगी में इस्तेमाल की जाती है। तो देखते हैं, ये फर्ज करें मैं कहता हूं ये हमारे पास एक नट है और ये हमारे पास एक स्पैनर है। फर्ज करें मैं कहता हूं इस स्पैनर की जो लेंथ है वो हमारे पास है L। इसके ऊपर हम फोर्स जो लगा रहे हैं वो फर्ज करें क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है या फिर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, किसी भी डायरेक्शन में हम कह सकते हैं। अगर आपने किसी नट को कसना है तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे, और अगर आपने किसी नट को लूज करना है तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करेंगे इसके ऊपर। तो अभी हमने एक्सिस ऑफ रोटेशन की बात की थी। एक्सिस ऑफ रोटेशन जो होता है बेसिकली हमारे पास एक पॉइंट होता है जिसके गिर्द कोई बॉडी जो है वो रोटेट कर रही होती है। इन आवर केस यहाँ पर हमारे पास एक्सिस ऑफ रोटेशन ये हमारा नट है जिसके गिर्द ये स्पैनर जो है वो रोटेट कर रहा होता है। दिस इज एक्सिस ऑफ रोटेशन, एक्सिस ऑफ रोटेशन। अब देखते हैं यहाँ पे हम बात कर रहे थे बेसिकली यहाँ पे करते हैं सबसे पहले लाइन ऑफ एक्शन। व्हाट इज लाइन ऑफ एक्शन, द पॉइंट वेयर वी अप्लाई द फोर्स। ये एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पर हम फोर्स अप्लाई करते हैं उसको बोलते हैं लाइन ऑफ एक्शन। दिस इज लाइन ऑफ एक्शन। और उसके बाद बात करते हैं हम मोमेंट आर्म की। व्हाट इज मोमेंट आर्म, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम लाइन ऑफ एक्शन टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन इज कॉल्ड मोमेंट आर्म। अब यहां से हम क्लियरली देख सकते हैं, फर्स्ट करें मैं कहता हूं ये फोर्स मैंने इस डायरेक्शन में लगाई है और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये इसका ये वाला बन रहा है हमारे पास। तो इस तरह अगर हम देखें तो इनके दरमियान जो एंगल बन रहा है वो क्या बन रहा है, 90 डिग्री का। इस लिहाज से भी और इस लिहाज से भी हम क्लियरली देख सकते हैं वो क्या बन रहा है हमारे पास, 90 का जाविया बन रहा है। तो इसलिए यहाँ पे हमने लफ्ज जो है वो यूज किया परपेंडिकुलर का। दिस इज कॉल्ड मोमेंट आर्म। उसके बाद बात करते हैं टॉर्क के फार्मूले की। तो टॉर्क का फार्मूला जो होता है बेसिकली टॉर्क बराबर होता है हमारे पास मोमेंट आर्म मल्टीप्लाई फोर्स। यहाँ पे हमारे पास टॉर्क जो है यहाँ पे ये ग्रीक लेटर है टा, और ये बराबर है हमारे पास आ जाएगा लेंथ, दूसरे लफ्जों में हम इसको मोमेंट आर्म का नाम दे सकते हैं, मल्टीप्लाई फोर्स। तो ये हमारे पास इसकी मैथमेटिकली फार्मूला थी। उसके बाद बात करते हैं इसके एसआई यूनिट्स की। तो लेंथ का यूनिट जो होता है हमारे पास एसआई यूनिट, लेंथ का यूनिट होता है हमारे पास एसआई, वो होता है मीटर, और फोर्स का यूनिट हमारे पास होता है न्यूटन। तो इस तरह से हमारे पास टॉर्क का एसआई यूनिट जो होगा वो किसके बराबर आ जाएगा, न्यूटन एन इसके लिए हम यूज करेंगे और मीटर के लिए हम यूज करेंगे यहां पे एन। तो दिस इज एसआई यूनिट, एसआई यूनिट ऑफ टॉर्क।
वो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे न्यूटन मीटर। अब बात करते हैं फैक्टर डिपेंड्स ऑन टॉर्क, कौन कौन से फैक्टर जो है वो टॉर्क के ऊपर डिपेंड करते हैं। देयर आर टू फैक्टर्स दैट डिपेंड्स ऑन टॉर्क, नंबर वन लेंथ और मूवमेंट आर्म, एंड सेकंड वन इज फोर्स। हम जितनी ज्यादा लेंथ करेंगे उतना ही ज्यादा टॉर्क प्रोड्यूस होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ ये स्पैनर जो है अगर इसकी लेंथ फर्स्ट करें मैं कहता हूँ 1 मीटर है, अब मैं इसकी लेंथ जो है 1 मीटर की बजाय 2 मीटर की लेंथ कर देता हूँ, तो ये इस नट को घुमाना, इसको लूज करना या इसको टाइट करना जो है वो बकदरे आसान होगा 1 मीटर वाली लेंथ स्पैनर से। इसी तरह मैं बात करते हैं हम फोर्स की, अब फर्स्ट करें मैं कहता हूँ एक नट को मैं अगर टाइट करने के लिए 2 न्यूटन की फोर्स लगा रहा हूँ, अब मैं फोर्स जो है वो 4 न्यूटन कर देता हूँ, तो डेफिनेटली जब 4 न्यूटन की फोर्स यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो वहाँ पे टॉर्क जो है वो ज़्यादा प्रोड्यूस होगा एज कम्पेयर टू जब हम 2 न्यूटन की फोर्स जो है वो अप्लाई करेंगे। इस तरह से हमारा ये टॉपिक जो है ये फैक्टर भी इसके फिनिश हो गए। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए।